Guys, please subscribe IAS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. समय का प्रबंधन एक विषय है, यानी टाइम मैनेजमेंट, लेकिन उससे भी बड़ा विषय है समय का कुप्रबंधन। ठीक है, हम सभी जो है वो किसी ना किसी रूप में प्रबंधन कर रहे होते हैं, चाहे उसको हम सुप्रबंधन करें चाहे उसको कुप्रबंधन करें। 24 घंटे हमारे पास है, लेकिन मैनेज कैसे किया जा सकता है टाइम, इसकी कीमत पता लगाना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। अगर आपको इसकी कीमत पता चल जाए, सपोज दैट आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और आपकी उस एक्टिविटी करने से आपको 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, आप करोगे? 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नहीं करोगे। अब तुम्हें पता चल जाए, अभी क्या है, एक घंटा किसी दोस्त का, और बताओ यार वो अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, अब 2 घंटा 2.5 घंटा तुमने इस बात पे लगा दिया। यार वो मोदी जी क्या कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, बताओ। या श्रीलंका में मान लो कुछ तो गंभीर मुद्दे होते हैं, कुछ तो बेवजह के मुद्दे होते हैं, ठीक है, 2-2.5-2.5 घंटा आपने निकाल दिया बहस करने में। लेकिन अगर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चला, अरे ये क्या होता है, दिमाग में कैसी बात आती, कल जो है भाई 2 घंटा पहले उठ के पढ़ेगा, यही तो होता है, कल 2 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसी तो होता है। कल किसके पास है, टुमारो नेवर कम्स। यहां सेकंड जो आपका इशू है, वो सेकंड इशू, इसको आप समय को पैसे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कैसे होगा, मेथड 2। सेकेंड मेथड पे आता हूं, यानी अपने समय की कीमत को पहचान लो। कोई लोग जॉब में है वो पहचान सकते हैं, कहा जाता है कि बिल गेट्स के एक एक मिनट की कीमत जो है वो लाखों रुपए में है। ठीक है, तो ये क्यों है, वो लोग सक्सेसफुल है, उन्होंने अपने समय की कीमत को पहचाना। सपोज दैट आप एक आईएएस ऑफिसर हो गए, मान के चलते हैं कि आज आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आज आप जो है आपकी इनकम 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो आपकी मंथली इनकम कितनी हुई, 1 लाख बटे मंथ के हिसाब से इसको 30 दिन में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यानी पर डे की जो प्रतिदिन की इनकम हुई वो कितनी हुई, 3,333.33। ये आपकी पर डे की इनकम आ गई। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए आपकी पर घंटे की इनकम कितनी हुई। तो पर घंटे की इनकम पे आप जाओगे, अगर आप 24 घंटे पे आप डील करते हो तो लगभग 138 रुपए आपके पास बच रहे हैं, 138 रुपीज आपको मिल रहे हैं। लेकिन आप 24 घंटे तो काम करते नहीं हो, आपके काम के जो घंटे होते हैं वो 10 घंटे होते हैं, बाकी टाइम सोने में या फैमिली लाइफ में आप निकाल रहे हो। अब आपके जो सोने का टाइम है वो कितना है, आपका जो कुल काम करने का समय वो मान लो 10 घंटे। अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो आपके पर घंटे की जो कीमत है वो 138 रुपए नहीं हो गई, जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, ये आपका जो हो गया लगभग 383 रुपए के आसपास आप पर घंटे की आपकी जो है वो कीमत हो गई प्रति घंटे। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो और आप इतना कमाते हो, आपकी सैलरी इतनी है, तो आपकी प्रति घंटे की कॉस्ट कितनी हो गई, 383। अब आप ये सोचिए कि अगर आप 1 घंटा वेस्ट करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी वेस्ट करें, आप इतने नुकसान पे हैं, इतने नुकसान पे हैं, 2 घंटा वेस्ट कर रहे हैं आप और ज्यादा नुकसान में हैं। अब इस नुकसान की कीमत उठाइए, आप इस चीज को जो है वो एनालाइज करिए कि मेरी कीमत क्या हो सकती है। सपोज दैट आज आप आने वाले टाइम में अपने आप को और कीमती देखते हैं, आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो कि पर घंटा जब तुम वेस्ट करोगे तुम्हारा कितना नुकसान होगा। ये नुकसान तुम्हें हमेशा अवेयर रखेगा, जब तुम्हें किसी चीज का नुकसान होने वाला होता है तो आप सचेत हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो, क्योंकि हम हर चीज को मॉनेटरी टर्म में एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अरे यार 200 रुपए का नुकसान हो गया, अरे यार 700 रुपए का नुकसान हो गया, पर घंटे 3,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। सो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, अपनी कीमत को पहचानो, हु यू आर, वेर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, कहां पहुंचना चाहते हो, सपोज दैट तुम अपनी वर्थ रखो कि मेरी वर्थ जो होगी वो 10 लाख रुपए से ऊपर की होगी, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पर घंटे की कीमत कितनी होगी, आप उस हिसाब से पहचानो। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपना महत्व पहचानना, मेरे समय की कीमत कितनी है। जब इस हिसाब से रखोगे कि मेरे 1 घंटे की कीमत 10,000 रुपए है सपोज दैट, तो इसका मतलब है अगर मैं 1 घंटा बर्बाद करता हूं मेरा 10,000 रुपए बर्बाद होगा। और सोचो अगर तुम्हें किसी भी दिन 10,000 रुपए का नुकसान हो जाए तो तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी, नींद नहीं आएगी। बस ये नींद नहीं आएगी, यही समय प्रबंधन का पहला गुण है। क्लियर है।